अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ भिवंडी के सबसे बड़े ढाबे पे। ढाबे की आज ओपनिंग है, जलसा ढाबा है, जिसका नाम आप देख सकते हैं, बोर्ड सामने दिया हुआ है। देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, बोर्ड पे जलसा ढाबा है। ये बहुत बड़ी जगह पे खुला है और बहुत ही फैसिलिटी है इसके अंदर। तो आज हम इसकी ओपनिंग में आए हैं, तो चले आइए, मैं आपको ढाबे के अंदर ले चलती हूँ और आपको बताती हूँ हमें अंदर कौन कौन सी फैसिलिटी मिलेगी। तो चलिए मेरे साथ आप अंदर एंट्री करिए। ये देखिए ढाबे का गेट है, अब हम अंदर इंटर हो रहे हैं। जैसे ही हम अंदर इंटर होंगे ढाबे के अंदर, तो हमें सामने फाउंटेन दिखेगा। आप देख सकते हैं सामने फाउंटेन है, आप यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत ही अच्छी जगह मिल जाएगी और बहुत ही इसके अंदर बड़ा स्पेस बहुत ज़्यादा है कि हमें ज़्यादा भीड़ में भी आराम लगेगा, इसके अंदर ज़रा भी तकलीफ नहीं होगी हमें। आप ज़रूर एक बार यहाँ विजिट करिए। चलिए मैं आपको यहाँ ले चलती हूँ। देखिए हम आगे बढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर भी फैमिली रूम है, आप आराम से ऊपर भी जाके बैठ सकते हैं। चलिए मैं आपको चल के ऊपर दिखाती हूँ, ऊपर किस तरीके का बना हुआ है। चलिए आप मेरे साथ, आप एक बार ज़रूर इधर आके विजिट करिएगा। हम इसकी ओपनिंग में आए हैं आज, यहाँ पे पूरी फैमिली हम आए हैं। तो चलिए देखते हैं ऊपर किस तरीके का माहौल है, किस तरीके का इंतज़ाम है। ये देखिए ऊपर कितना अच्छा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। हम ऊपर चढ़ के नीचे का भी नज़ारा पूरा मज़ा और लुत्फ ले सकते हैं ऊपर। ये देखिए ऊपर की तरफ हम चल रहे हैं, ये देखिए कितना अच्छा है। फैमिली रूम देखिए, फैमिली ज़्यादातर ऊपर फैमिली ही आके बैठती है, आराम से सुकून से बैठ के खाना। और ऊपर से हम नीचे का भी व्यू देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से दिखता है। देख सकते हैं आप पूरा ऊपर से हम नीचे नज़ारा देखिए, पूरा देख सकते हैं। चले अब मैं आपको दूसरे सेक्शन में लेके चलती हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा सेक्शन बने हुए हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह में बना हुआ है। इसके ये ढाबे की खासियत यही है कि इधर जगह बहुत ज़्यादा है, यानी हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। ये देखिए नीचे एसी रूम है, मैं आपको एसी रूम के अंदर ले चल के दिखाती हूँ। इसके अंदर आइए आप मेरे साथ आइए, देखिए ये एसी रूम है, बहुत ही अच्छा है। आप अंदर चल के एक बार मैं आपके साथ आपको अंदर चल के दिखाती हूँ। देखिए आप एक बार ज़रूर इधर विजिट करिए, आपको बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी यहाँ पे हर चीज़ की। अभी ये नया बन रहा है तो थोड़ा इसमें काम भी बाकी है, बट इन्होंने ढाबा चालू कर दिया है। ढाबे की ओपनिंग में हम लोग आए हुए हैं। अब देखिए हम बाहर चल रहे हैं, दूसरे सेक्शन में चलेंगे हम। ये देखिए झाड़ वगैरह भी सब ये लोग लगा चुके हैं, थोड़ा बहुत काम बाकी भी है यहाँ पर। देखिए सामान वगैरह सब वैसे ही पड़ा हुआ है। ये देखिए अब इधर पे हम आ गए हैं, इधर पे सब यानी बच्चों लोग के झूला वगैरह सब एक से एक है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। ऊपर का दिखा रही हूँ मैं आपको नीचे से, दो दो बड़ा बड़ा ऊपर बैठने के लिए हमें बना दिया गया है ताकि कोई तकलीफ ना हो। ये देखिए आप यहाँ चल सकते हैं बच्चों को, बच्चों के सेक्शन में चलेंगे। ये ढाबे की तरफ से गुजरते हुए देखिए कितनी बड़ी जगह है, आप देख सकते हैं। देखिए कितना बड़ा ढाबा है ये, आप देख सकते हैं। वर्कर भी देखिए काम तेज़ी से काम कर रहे हैं, सर्विस भी इनकी बहुत अच्छी है। आप आएंगे तो आपको पता चलेगा इनकी सर्विस कितनी अच्छी है। ये देखिए हम प्लेग्राउंड में आ गए हैं, यहाँ पे बच्चों के झूले वगैरह लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर किस्म के झूले हैं, छोटे बच्चों के, बड़े के झूले, फैमिली बैठने के लिए झूले। और ये देखिए बीच में ट्री है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंजर लग रहा है। मैं आपको लेके चलती हूँ, देखिए मैं आगे आके मैं एक फैमिली झूले पे बैठूंगी। ये झूले पे बहुत मजा आती है, दोनों तरफ से फैमिली बैठ के एक दोनों तरफ से झूला देते हैं ना, तो बहुत ही मजा आती है झूले पे। और बच्चों लोग के लिए दो तीन किस्म की स्लाइड है इसके अंदर, आप जरूर एक बार ट्राई करना। अपने बच्चों को तो बहुत मजा आएगा क्योंकि बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी जगह में ये बना हुआ है, तो बच्चों लोग को भी बहुत आराम है और कोई यानी भीड़ भाड़ की यानी ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे हमको तकलीफ होगी, हमारे बच्चे झूल नहीं पाएंगे, गर्दी ज्यादा है। झूले ही इतने ज्यादा यहाँ पे है, स्लाइड इतनी ज्यादा है, बच्चे बहुत मजा, स्लाइड भी तीन चार किस्म की है। और ये देखिए ऐसे इस तरीके से हमें छोटे छोटे, ये देखिए अब ये सेक्शन में हम आ जाते हैं, यहाँ सेपरेट फैमिली के लिए देखिए डाइनिंग एरिया है, आप देख सकते हैं। ये पूरा लाइन से बना हुआ है, बहुत बड़ा बना हुआ है ये, बहुत एरिया यानी इसका इतना अच्छा है ना कि आपको बहुत ही यानी आपका दिल खुश हो जाएगा। आप एक बार यहाँ विजिट करके जरूर देखिए, हमारा तो दिल खुश हो गया था। यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है, वेटर लोग सब हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, यहाँ के मैनेजर, यहाँ के मालिक सब बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। आप एक बार जरूर इधर विजिट कीजिए, मैं आपको इधर का एड्रेस
और फोन नंबर मेंशन कर दूंगी, आप जरूर यहाँ पर एक बार आइएगा। ये देखिए आप यहाँ पे जलसा का लोगो भी लगा हुआ है, इसके अंदर आप आके एक बार जरूर दर पे विजिट करना। अब हम बाहर आते हैं, बाहर चल के देख लीजिए, ये पूरा डाइनिंग एरिया लगा हुआ है, पूरा देख सकते हैं आप किनारे तक के। आप एक बार जरूर विजिट करें मेरे बोलने। अल्लाह हाफिज़।